करता है, बड़े खत्म करते हैं। ये जी छोड़े प्रेशर सही डाला है। किसने, ये छोड़े किसने प्रेशर डाला, ये बता दूं आपको, खत्म करने वाला बंदा वो बड़ा ही है। मेरा वो दीन है जिसमें बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा हो जाता है। हम पाकिस्तान में वो दीन है इसमें बेटी और बेटे बाप के लिए एकदम सलूट मार के खड़े हो जाते हैं, नहीं तो बाप मारता है आके। तो ये दो नंबर ही है, खुदा का वास्ता। अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए कौन खड़ा होता है पाकिस्तान में? ये वाली सुन्नत किसी को नहीं याद। हर कोई कहता है नबी इस्लाम फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। हाँ तो करो ना, अपने बापों को खड़ा करो। इस्लाम में तो ये है कि बाप बेटी के लिए खड़ा होता है। पाकिस्तानी बाप खड़े हो जाए प्लीज बेटियों के लिए। बेटियों को क्यों खड़ा कर रहे हैं बापों के लिए? बड़ी बदतमीज बच्ची है, बाप को देख के खड़ी नहीं हो रही। और बड़ा बदतमीज बाप है भाई, तो बच्ची को देख के नहीं खड़ा हो रहा। इस्लाम तो ये कह रहा है, उल्टा किया हुआ है। बड़ों की तजीम, बच्चों की तजीम है इस्लाम में। तो मेरा नबी अपनी बेटी के लिए खड़ा हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानी डैडीज जितने भी है ना, और मामीज, अम्मी और अब्बू, वो बच्चों को छोटे से मार रहे हैं कि खड़े नहीं होते, और नाम क्या लगा रहे, मेरे नबी अपनी बच्ची के लिए खड़े होते थे। तो बच्चा कोई पूछता भी नहीं है कि अब्बू जी नबी बेटी के लिए खड़े होते थे तो आप भी मेरे लिए खड़े हो जाएं, ये उल्टा क्यों किसे आप किया हुआ आपने? अब क्या करें, बच्चों को तो नहीं मैं कसूरवार ठहरा सकता ना। तो बापों को पिटाई होनी चाहिए ना, कि डंडे उल्टे पड़ने चाहिए कि आपने मतलब मजाक उड़ाया हुआ अपने सुन्नत का। तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एल्डर्स। ये दो तीन नस्लें ऐसी गुजरी हैं ना, टीके लगाए हैं कि इस्लाम में ना कोई दाखिल हो जाए। इनको इनको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। और ये एक इंडिकेटर है, ये सिम्टम ऑफ डिजीज है। ये पेट में दर्द हो रहा है, डिसेंबल, ये पेट का दर्द जो आपने मुझे बताया, असल में अंदर रिपोर्ट निकालेंगे तो अंदर कैंसर निकलेगा या अल्सर निकलेगा, बदहजमी नहीं निकलेगी। ये इतनी डीप रूटेड डिजीज है जो कि किबर के अंदर आती है। और ताबूत है, अपने लिए खड़ा करा लोगों को, ताबूती है, सिंपल ताबूत आदमी है कि तुझे लिए खड़ा हो रहा है, अल्लाह के लिए खड़ा।